तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उन सामान्य दवाओं को जानेंगे जो जनरली सभी के घरों में जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी को अचानक लूज मोशन होने लगे, पेट खराब हो जाए, अचानक से पूरे बॉडी में दर्द होने लगे, पेट में गैस हो जाए, ठीक से हमारा पेट टॉयलेट जाने पर भी खाली ना हो पाए, ऐसी आम समस्याओं में हमारे पास कौन सी दवा होनी चाहिए, कौन सी दवा हमें खानी चाहिए, आज इसे ही हम लोग आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए जानते हैं उन कॉमन दवाओं को जिनकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट खराब हो जाए, लूज मोशन होने लगे, तब कौन सी दवा आपको रखनी चाहिए या खानी चाहिए। तो वो दवा है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो आपको अपने अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल जाती है। यह दवा डायरिया होने पर, लूज मोशन होने पर उसे ठीक करने का काम करती है। एक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया, इन दोनों ही सिचुएशन में आप इस लोपेरामाइड टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। और साथ में नोरटीजेट टैबलेट आप ले सकते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन नोरफ्लोक्सासिन टिनिंडाजोल होता है। तो इसका यूज दोस्तों डायरिया को ठीक करने के लिए करते हैं। डोज की अगर बात करें तो सुबह शाम आप खा सकते हैं। डायरिया के दौरान अगर पेट में ममोड़, ऐंठन जैसी दर्द हो तो टैबलेट जीरोडोल अस्पाजम आप सुबह शाम खा सकते हैं। अब नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं, जब पेट में गैस हो जाए तब आपको पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल की टैबलेट यूज करनी चाहिए। पेट में जलन, गैस जैसी समस्या हो जाए तब आपको रेनिटिडिन टैबलेट यूज करनी चाहिए। इन सभी टैबलेट से आपके पेट में बन रहे गैस ठीक हो जाती है। इसकी डोज की बात करें तो दिन में दो बार आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उल्टी रोकने की दवा के बारे में, वोमिटिंग के बारे में। तो अगर आपको उल्टी हो या उल्टी जैसा फील हो तब आप ओंडेन सेट्रोन टैबलेट यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिसको भी अगर कार में ट्रैवलिंग करने के दौरान उल्टी होती हो वो व्यक्ति भी ओंडेन सेट्रोन टैबलेट खा सकता है उल्टी रोकने के लिए। इसलिए दोस्तों यह टैबलेट आपको अपने घर में भी जरूर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉमन कोल्ड टैबलेट की। अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए, नाक बहने लगे, छींके आने लगे, तब आप सिनारेस्ट टैबलेट, सॉल्विंग कोल्ड टैबलेट, सेट्रिजिन टैबलेट, मोंटीला एल टैबलेट, सुमो कोल्ड टैबलेट आप उपयोग कर सकते हैं। ये जितने भी टैबलेट है ये कॉमन कोल्ड में काफी अच्छा इफेक्ट दिखाती है, इसलिए जब भी सर्दी हो जाए, नाक बहने लगे तो इन टैबलेट का यूज आप जरूर करें और अपने घरों में भी जरूर रखें। डोज की अगर बात करें तो सुबह शाम आप खा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, यानी कि कब्ज की। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सही से स्टूल पास नहीं हो रहा है, टॉयलेट जाने के बाद भी आप ठीक से फ्रेश हो नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा फील तो होता है कि हाँ मुझे टॉयलेट जाना है, पर टॉयलेट जाने के बाद, दो नंबर जाने के बाद भी आपका पेट साफ नहीं हो पाता, तो ऐसी सिचुएशन को ही कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए बिसाकोडाइल टैबलेट आप यूज कर सकते हैं, जिसकी दो गोली रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ खानी चाहिए। लूज नाम की सिरप भी आती है जो 30 ml रात को सोते समय खानी चाहिए। अब जानते हैं बॉडी में दर्द होने पर कौन सी दवा आप यूज कर सकते हैं। तो वो टैबलेट है जीरोडोल पी। यह टैबलेट काफी फेमस भी है अपने इसी नाम से और दर्द में काफी अच्छा इफेक्ट भी दिखाती है। तो इस टैबलेट को आप अपनी जगह रख सकते हैं और जरूरत के हिसाब से आप इस टैबलेट को खा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपकी बॉडी में इस तरह की रिंग वर्म हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तब आप क्लोबिटा जीएम क्रीम को आप यूज कर सकते हैं, जो काफी अच्छा वर्क करती है इस तरह की इन्फेक्शन से आपको बचाने में और जल्दी ठीक भी कर देती है इस तरह की प्रॉब्लम को यह क्रीम। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेजल डीकॉन्जेस्टेंट मेडिसिन की, यानी कि ऐसी दवा जो तब यूज करते हैं जब हमारा नाक जाम हो जाए, नाक से ठीक से सांस ना ले पाए, तब आपको ऑक्सीमेटाजोलिन
जाइलोमीटाजोलिन यूज करनी चाहिए जो नाक से इस तरह से खींचना पड़ता है और आपकी नाक अच्छे से खुल जाती है और आपको सांस लेने में आसानी हो जाती है। ये थी दोस्तों कुछ ऐसी मेडिसिन जिनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए और साथ ही साथ ये सारे मेडिसिन आपके घर में भी जरूर होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों ये इमरजेंसी में बहुत काम आती है। अचानक से किसी का पेट खराब हो जाए, पेट में दर्द होने लगे, बुखार आ जाए, बॉडी में दर्द होने लगे, इन सारी समस्याओं में दोस्तों इन दवाओं का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए इन दवाओं की जानकारी आपको भी जरूर होनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके काम की हो और जो भी डाउट रहे आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें और ऐसे ही मेडिकल से जुड़ी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।